बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोमानिया इमिग्रेशन 2023 में रोमानिया के वर्क परमिट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिक्वायर हैं उन पर कुछ तब्दीलियां करना चाहती हैं। थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं, मशहूर हो रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। आपको पता है जब थोड़ी बहुत बात हो तो वो एंड में सच हो जाती है। वीडियो पर जाने से पहले सब दोस्तों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। 2022 का एंड है जी, दिसंबर का तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है, 2023 आने वाला है। 2023 का जो कोटा है वो तकरीबन फरवरी में अनाउंस हो जाएगा, मिड तक वो अनाउंस कर देंगे। अब 2023 में जो वर्क परमिट के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं उसमें वो थोड़ी बहुत तब्दीली कर रहे हैं, अफवाहें चल रही हैं। जब आपको पता है जब कोई अफवाह चलती है, बात होती है, तो वो एंड में यकीनी हो जाती है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका पुलिस क्लीननेस सर्टिफिकेट, ठीक हो गया। पहले ये होता था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, पोलियो कार्ड, पासपोर्ट, पीपीसी, आईडी कार्ड, इनकी स्कैनिंग करा कर अपने एजेंट या एजेंसी या खुद आप अपनी कंपनी को सेंड कर देते थे। वो आगे से वही पीडीएफ बना कर इमिग्रेशन को सेंड कर देते थे। अब इमिग्रेशन वालों ने ये बोला है कि हमें आपका पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट फॉन्ट में चाहिए और ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल फॉन्ट में चाहिए। अब वो कैसे जाएगा? अब आपको या आपके एजेंट को या आप जिस एजेंसी से काम करवा रहे हो वो ये करेंगे कि आपका ओरिजिनल पीपीसी क्लियरनेस सर्टिफिकेट फॉरेन एम्बेसी से टेस्टेड होकर आप TCS के थ्रू उन्हें सेंड करेंगे, ठीक हो गया। ये एक तब्दीली, ये एक चेंजिंग कर रहे हैं जी रोमानिया इमिग्रेशन वाले। अब आगे कौन सी चेंजिंग आएगी, इंशाल्लाह 2023 तक सब कंफर्म हो जाएगा। अच्छी न्यूज़ है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, तो जैसे ही कोई अपडेट नहीं मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।